नवविवाहित जोड़ों के स्वागत उत्सुक हमारे जितने भी अतिथि हैं हम उनका स्वागत करते हैं। जिंदगी जिंदाबाद संस्था के द्वारा आज रुद्रपुर के सिटी क्लब में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह यहां पर करवाया जा रहा है। यहां आप देखेंगे यहां पर मंडप बनाया गया है, जहां पर फेरे करवाए जा रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर जो है शादी सम्पन्न कराई जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 जोड़े 3 जोड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी पूरे रीति रिवाज के साथ यहाँ पर परिजनों के साथ मौजूदगी में यहाँ पर शादी करवाई जा रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे सामने स्टेज बना हुआ है, जहाँ पर वरमाला भी डाली गई है और उसके बाद यहाँ पर जिंदगी जिंदाबाद की जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर फोटोग्राफी करवाई गई है सभी के साथ में। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रुद्रपुर में लगातार ये प्रथा बढ़ती जा रही है कि जो निर्धन परिवार होता है वो अपनी कन्याओं की शादी नहीं कर पाता, लड़कियों की शादी नहीं कर पाता। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे सहयोगी के साथ कि जो लड़की की जब शादी होती है उस दौरान उसको जो भी उसके ज़रूरत का सामान जो होता है वह दिया जाता है, तो उसी एवज में आप यहां देखेंगे कि शादी के साथ ही जिंदगी जिंदाबाद की टीम ने यह भी जिम्मेदारी उठाई है कि यहां पर सब 5 के 5 जोड़ों को की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। और इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दर्शक के रूप में भी जो है लड़की और लड़के के परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मंच बना हुआ है और पूरे रीति रिवाजों के साथ यहां पर जो है विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें आपको बता दें कि 5 जोड़ों में से 2 जोड़े सिख समाज से होने के चलते उनके जो फेरे हैं वो गुरुद्वारे में करवाए गए हैं और बाकी जो 3 जोड़े हैं उनको यहीं सिटी क्लब के अंदर बने हुए जो मंडप है वहाँ पर उनको फेरे करवाए जा रहे हैं। तो जिंदगी जिंदाबाद की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार जिंदगी जिंदाबाद की टीम जो है समाज हित के लिए काम करती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वह आपदा का दौर हो या फिर गरीब निर्धन कन्याओं की शादी की व्यवस्था हो। तो हम भी सैल्यूट करते हैं ऐसी संस्था को जो लगातार समाज हित में अपनी सेवाएं दे रही है। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर। जिंदगी जिंदाबाद संस्था के संस्थापक करमजीत सिंह चन्ना ने जिस तरह का बीड़ा उठाया था और उन्होंने कोरोना काल और हाल ही में आई आपदा के दौरान कहा था कि वे निर्धन कन्याओं का विवाह कराएंगे, जिसके चलते आज रुद्रपुर के सिटी क्लब में आज 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया गया। मेरे साथ जिंदगी जिंदाबाद के संस्थापक करमजीत सिंह चन्ना मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आज जो इन्होंने जिम्मेदारी उठाई थी आज उसको पूरा कर दिया है, आगे और क्या रहने वाला है और आज किस तरह की जिम्मेदारी इनके द्वारा निभाई गई है। चन्ना जी, आज जिस तरह से 5 लड़कियों का जो विवाह है वो आपकी संस्था के द्वारा करवाया गया है, आगे और क्या प्लानिंग है और आज किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? हमने 7 कन्याओं का जो है शादी करने का बीड़ा उठाया था, 2 का जो है पहले हम कर चुके हैं, 5 का आज सामूहिक तौर पे किया गया और उनका टोटल जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी जिंदगी जिंदाबाद की तरफ से थी, मतलब लड़की के लिए सामान भी और खाने की हर तरीके की व्यवस्था जिंदगी जिंदाबाद ने करी है और ऐसे ही संस्था जो है लगातार काम करती रहेगी समाज में। इससे आगे जो हमारा प्लान है वो हम मेडिसिन बैंक ओपन करने जा रहे हैं, उसमें क्या है बहुत ही कम दाम में जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको कम दाम में दवाइयां जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, जो लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसे की वजह से उनको इलाज कराने का भी हम बीड़ा उठाएंगे, आगे का प्लान ये है हमारा। ये थे हमारे साथ करमजीत सिंह चन्ना, जिनका साफ तौर पर कहना है चाहे वो कोरोना काल हो उसमें इन्होंने लोगों को खाने की मदद करवाई, इसके साथ ही हाल ही में आई आपदा के दौरान भी इन्होंने जो गरीब परिवार थे, जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग थे उनका आशियाना उजड़ चुका था, उनका कीमती सामान बह गया था, तो उनको वो सामान मुहैया करवाया, उसके साथ ही उसी में से 5 परिवारों की आज लड़कियों की शादी करवा करके उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। उनका कहना है कि आगे वे मेडिसिन बैंक खोलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो गरीब परिवारों को दवाइयाँ खरीदने में होती है। कैमरामैन विशाल के साथ में राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर।